ये है मेरा कबर्ड का कंडीशन। इतने सारे कपड़े मुझे अभी अरेंज करने। हाय एवरीवन, आज मैं अपना कवर्ड ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना कवर्ड का कंडीशन दिखाती हूँ। ये है मेरा कवर्ड का कंडीशन। दिखाने में भी शर्म आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन ना मतलब, लेकिन जब मैं ढूंढती हूँ कपड़ा पहनने को, तब मुझे कपड़े नहीं मिलते हैं। मतलब तब दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि क्या पहनूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं है। तो चलो, ज़्यादा बकवासें ना करते हुए मैं अपनी कवर्ड की कंडीशन ठीक करती हूँ। ज़्यादा बोलूँगी तो आप भी बोर हो जाओगे। तो ये है मेरे सारे कपड़े, जब मैं ढूंढती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपने सारे कपड़े अपनी जगह पे रखूँगी। और मैं बहुत बड़ी कामचोर भी बता दूँ अपने बारे में, मतलब कवर्ड ऑर्गेनाइज करना मुझे बहुत बड़ा काम लगता है। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं करूँगी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था। तो आज मुझे पास इनफ टाइम है करने के लिए, तो चलो मैं कर लेती हूँ आज अपना ये बड़ा, सबसे बड़ा काम। तो ये है मेरे सारे कपड़े। आज मैं कपड़ों के बीच में फंस गई हूँ, कपड़ों की बारिश हो रही है आज, और मिस्टर रॉय गए हैं बाहर। तो जल्दी से मैं इस कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ उनके आने से पहले, क्योंकि अगर उन्होंने इतना सारा कपड़ा देख लिया, इसके बाद शायद ही मुझे कभी कपड़े मिलने वाले हैं, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लेन करती हूँ मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने को। तो चलो जल्दी से ऑर्गेनाइज करती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा टेडी, जो हमेशा मेरे साथ रहता था, कभी मेरे पास में होता था। लेकिन कुछ दिन पहले मैंने इसको भी कबर्ड में ठूस दिया था, ताकि इसके ऊपर कोई डस्ट ना पड़े, ये गंदा ना हो जाए। बहुत क्यूट सा है, पिंक पिंक। तो मैंने इसको, इसकी सेफ्टी के लिए इसको मैंने कबर्ड पे ठूसा था, लेकिन बेचारा कपड़ों के बीच में सफोकेशन में ये भी मर चुका है। अरेंज करने हैं, मैं थक गई हूँ अभी से। मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये काम क्यों लिया है, क्यों ही लिया है मैंने ये काम। अच्छा खासा कपड़ा ठूसा हुआ था कबर्ड पे, लेकिन चलो अब जब काम ले ही लिया है तो उसे कंप्लीट भी करना ही पड़ेगा। सो फाइनली और कबर्ड मेरा ऑर्गेनाइज हो चुका है, और मुझे 2 घंटे लग गए ऑर्गेनाइज करने में। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, सो मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया है, और ये कुछ एक्स्ट्रा कपड़े हैं जो वार्डरोब क्लीन करने के बाद निकला है। तो ये सारे जो वो मैं नहीं पहनती हूँ, कुछ कुछ ऐसे भी कपड़े हैं जिसे मैंने खाली सिर्फ लिया था, पहना भी नहीं था। तो जो मेरे घर में काम करती थी दीदी, उनको मैंने कल बुलाया है, वो आएंगी, तो उनको ये सारा मैं कपड़ा दे दूँगी। तो बस ये सारे जो कपड़े थे, ये कपड़े मतलब मेरे वार्डरोब में एक्स्ट्रा जगह ले रहा था, तो इसीलिए मैंने इसको साइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरी फ़िश फ्राई हो रही है रात का डिनर के लिए।
तो चलो आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ। आप प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट करो, मैं चाहती हूँ आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगी। चलो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।